जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां तीन चरणों में यानी कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस बार चुनावी मैदान में अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को उतारा है, तो वहीं भाजपा यहां अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस संग हाथ मिला लिया है। अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई कार्यकर्ता भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं, जो शेख अब्दुल रशीद की एआईपी के काफी दिग्गज नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनसी को उस समय बड़ा बढ़ावा मिला जब उत्तरी कश्मीर के एक अहम खिलाड़ी मलिक तारिक रशीद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तरी कश्मीर के एक दिग्गज राजनीतिक नेता मलिक तारिक रशीद, जिनके बारे में राजनीतिक पंडितों के बीच पूरे उत्तर में काफी प्रभाव माना जाता है, आज औपचारिक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए भी ये लिखा कि मलिक ने साल 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो रशीद के सबसे करीबी राजनीतिक सलाहकारों में से एक थे। एनसी ने लिखा कि इस कदम को पूरे प्रचार में काफी असर पड़ेगा। मलिक तारिक रशीद के अलावा एआईपी के एक और प्रमुख पूर्व नेता तनवीर चालकू भी पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के आवास पर उनकी मौजूदगी में एनसी में शामिल हो गए हैं। मलिक तारिक रशीद और तनवीर चालकू के अलावा एआईपी जिला कोऑर्डिनेटर गांदरबल और सिविल सोसाइटी सफापोरा के संयोजक सोहेल नबी खान का भी उमर अब्दुल्ला ने पार्टी में स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तारिक रशीद और बाकी युवा नेताओं के शामिल होने से क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर भाजपा और उसके प्रतिनिधियों से लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देंगे। यानी एक एक करके अब्दुल रशीद की पार्टी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ते जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या होता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।